नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल। आज फिर से हाजिर हूं आप लोग के साथ में एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। और ये जो क्लिप्स शुरू की हैं, मैं बता दूं कि ये सर्दियों की हैं, इन नर्सरियों की, लेकिन अभी जस्ट बाद में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे प्लांट गर्मियों में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये छोटे वाले जो ग्रफ्टेड प्लांट थे ये 400-500 के मिल रहे थे, और जो बड़े वाले प्लांट थे वो 1,500-2,000 तक के बोगनवेलिया के मिल रहे थे। तो दोस्तों, इस समय आपको नर्सरी पे जो पिटूनिया वगैरह है, जो सर्दियों वाले, बिल्कुल सर्दियों वाले प्लांट होते हैं, वो तो हमारे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे इस समय फल वाले बहुत से प्लांट मिल जाएंगे, ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाएंगे। जैसे अमरूद है, उसके गुच्छे वाले अमरूद आते हैं, ब्लैक वाला अमरूद आने लगा है, और इसके साथ ही थाई वेराइटी आती है, ये आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। अब ये नर्सरी है कहाँ पर? जब आप फर्रुखाबाद से कायमगंज रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको खूब सारी नर्सरियाँ मिल जाती हैं। और सर्दियों में जैसा कि मलिहाबाद लखनऊ जाते हैं हम, तो हमको रास्ते में खूब सारी नर्सरियाँ मिलती हैं। और जब हम गर्मियों में जाते हैं तो वहाँ आम के बाग भी होते हैं, क्योंकि नर्सरी जो होती हैं बिना बड़े प्लांट के नहीं चल पाती हैं। तो देखिए, ये वाला प्लांट 450 का था। बीच बीच में आप लोग को प्राइस भी बताती जाऊँगी। और ये जो मोरपंखी की एक वेराइटी है वो 250 की थी। अगर आप गमले सहित लेते हैं तो थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, अगर आप लेना चाहें तो बिना गमले के भी कम पैसों में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा और देखिए, अब ये क्लिप शुरू हो गई है गर्मियों की। तो आप देख सकते हैं, घास टाइप की वैरायटी थी, मुझे इसका नाम नहीं मालूम था, और बड़े ही खूबसूरत से प्लांट लग रहे थे, बड़े ही हार्डी प्लांट थे। जैसा कि आपने गर्मियों में भी इसको 2-3 दिन पानी नहीं दिया तो ये खत्म नहीं होंगे, और इसके फ्लावर नहीं है, ऊपर से गए थे। तो दोस्तों, यहाँ नर्सरी पर जाने का सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुझे आम लेने थे, और मैं मार्केट से जो केमिकल लगे हुए आम, लगा के पकाए हुए आम होते हैं, वो नहीं लेती हूँ। जब भी हमको आम लेने होते हैं हम डाल के लेते हैं। और देखिए कितने आम थे। तो जैसे आप मलिहाबाद जाते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी सारे बाग मिल जाते हैं, आम मिलते हैं इस समय वहाँ के, तो आम की बात ही क्या। तो उसी के साथ में आपको इस समय नर्सरी पर काफ़ी सारे प्लांट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे चंपा, चमेली, कनेर, और देखिए घास की एक ये वेराइटी। ये गमला पूरा उन्होंने 600 का बताया था, और छोटे प्लांट भी इसके थे। आप जैसा प्लांट का साइज होगा वैसे ही उसके प्राइस होंगे, जैसे 100-150 का ये दे रहे थे। तो जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, गमला होगा, वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। और कई बार आप लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैंने किसी नर्सरी पे गई तो मैंने कि वहाँ के प्राइस नहीं बताए। तो दोस्तों, रीज़न होता है ये कि हम जब भी किसी नर्सरी पर जाते हैं तो प्लांट के साइज से उसका जो पैसे होते हैं वो निर्धारित होते हैं। और जैसे कि पाम की वैरायटी हो गई, ये किसी प्लांट की वैरायटी हो गई, छोटा प्लांट 100 से शुरू होता है, 70 से ज़्यादा में ज़्यादा शुरू हो जाता है। और जैसे जे आप ये देख रहे थे इधर, रबड़ प्लांट ये 70-70 रुपए के थे, और जैसा प्लांट का साइज बढ़ता जाएगा वैसे ही 150-200-250, और उसके बाद में जो उनकी हेल्थ होगी। और देखिए कि इतने बड़े ड्रम में लगा हुआ था प्लांट, मैं कैप्चर नहीं करा मैंने। तो दोस्तों देखिए, गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट थे, और हाँ, इसी तरीके से पैसे भी निर्धारित होते हैं। और अगर आप गमले में लगे हुए अच्छे साइज का पेड़ लेंगे तो उसी तरीके से उनके पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो भाई, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसे लाजमी है जब कोई लेता है ज़्यादा। तो देखिए, आपको यहाँ पर कई सारी पाम की वेराइटी, पोनीटेल पाम देखिए ये आपको मिल गया, और ये यहाँ पर चंपा, चमेली, कोचिया, गेंदे तो बहुत सस्ते थे, 20-20, 10-10 के आपको मिल जाएंगे। और ये लगा हुआ है उनका बाग आम का, उधर सेट को आपको दिख गया एलिफेंट मनी प्लांट, एलिफेंट ईयर मनी प्लांट। तो दोस्तों, इधर आपको एलोवेरा दिख गए, इधर हाँ आपको नींबू की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएंगी अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे अमरूद की बहुत अलग अलग वैरायटी थी, जैसे थाई अमरूद, वो बहुत बड़ा होता है, बड़े साइज का, पूरे आपके हाथ में भर जाता है, जैसे छोटे वाले खरबूजे होते हैं ना, खूब बड़े बड़े वैसे। और इसके अलावा जो गुच्छे में अमरूद आते हैं, और काला अमरूद भी यहाँ पे था। और दोस्तों देखिए, ये जो नर्सरी है यहाँ पर आपको स्टैंड भी मिल जाएंगे, प्लस आपको हैंगिंग प्लांट, प्लांटर, और इसके साथ में आपको बहुत कलरफुल गमले भी मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो मिट्टी के गमले भी यहाँ से ले सकते हैं। और मैं एक नर्सरी का नाम ही क्या बताऊँ, आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको जो
नर्सरी की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि नर्सरी कितनी बड़ी है। और आपको अगर ज़्यादा वैरायटी देखनी है तो आप बड़ी नर्सरी पे जाइएगा, और एक दो नर्सरी सब नर्सरी आसपास ही लगी हुई हैं। और देखिए पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने जो फ्लिपकार्ट से बर्ड हाउस मंगवाया उसके पैसे उसका साइज जो उन्होंने बताया था वैसा साइज मेरे पास आया है या नहीं आया है प्लांट, और इस हाउस की क्वालिटी कैसी है, प्राइस क्या है। तो अगर आप लोग चाहते हैं फ्रेंड्स तो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। और हाँ अभी इसमें इनके जो मेहमान हैं मालिक हैं वो नहीं आए हैं, जब भी आएंगे तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि मैं किसी एक नर्सरी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, रीज़न है कि मैंने काफ़ी सारी नर्सरी सर्च करी और जब हम आसपास में लगी होती है नर्सरी ना तो मन हो ही जाता है कि इस पे जाओ उस पे जाओ। तो दोस्तों देखिए ये जो हम पौधे लाए थे मैं वो आपको दिखा रही हूँ, तो ये जो गुच्छे में अमरूद आता है ये था, और ये वाला प्लांट उन्होंने हमको 150 का दिया था। मैं निकाल के दिखाती हूँ, तो देखिए ये वाला जो प्लांट है 150 का दिया था, और इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है और एकदम से फ्रूटिंग नहीं होगी मुझको मालूम है, मुझको थोड़ा इसको अच्छी मिट्टी थोड़ा सा बड़ा साइज का गमला देना होगा, 12 से 14 इंच का गमला आप दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गमले में एकदम से प्लांट को नहीं लगाइएगा। तो देखिए ये तब मिट्टी में दबा होता तो इस प्लांट को आदत है बड़ी जगह की, तो मैं इसको बड़े गमले में लगा दूंगी। और देखिए बड भी है इसमें फ्लावरिंग के लिए, और पास में ये आपको दिख गया बेर का प्लांट। तो फ्रेंड्स बेर की भी काफ़ी देखिए ये ग्राफ्टिंग प्लांट है, ये भी 120 का उन्होंने हमको दिया। और ये जो एप्पल बेर होती है जो खूब बड़े बड़े बेर होते हैं ना आपने देखे होंगे अब मार्केट में, पहले तो छोटे आते थे अब बड़े भी आने लगे हैं, उसमें कांटे वाटे कुछ नहीं है। तो देखिए आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, नर्सरी पर किसी कीड़े ने इसको खा लिया होगा। तो दोस्तों ये जो एप्पल बेर होता है उसकी एक वैरायटी है, खूब बड़ा सा बेर होता है और आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर चेरी वाला भी वहाँ पर बेर था, चेरी एप्पल बेर जो रेड कलर थोड़ा सा लालपन ललचाओपन उस पर होता है वो भी था। तो देखिए हैंग करने से पहले का ये वीडियो है, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं वहाँ पर इसको हैंग करूँगी। तो दोस्तों काफ़ी मन करता है मेरा कि काफ़ी सारे प्लांट्स ले आऊं, तो थोड़े थोड़े सो प्लांट में ले आई, और फिर से मैं एक 9 o'clock का प्लांट ले आई, ये थोड़ा सा ऑरेंज और रेड पन पे था और ये येलो कलर था, अभी फ्लावर खिले नहीं है। और क्योंकि जैसे हम प्लांट लेकर आते हैं थोड़ा शॉकिंग होता है, देखिए मेरा वाइट वाला नेरियम, और अब की मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा कट ही कर दूँ क्योंकि जब भी इस पर फ्लावरिंग होती है काफ़ी हैवी होती है, पत्ते भी हैवी हैं। तो देखिए कैसे मुड़ गया है। और इसके अलावा मैंने लिया था ये क्रोटन, ये 50 rupees का उन्होंने दिया था, गमला मैंने खुद ही लगाया है, गमला मैंने मेरे पास पहले से थे। और हाँ ये गमले की भी मैंने रिव्यू करी थी, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। इसके अलावा एक चांदनी का प्लांट लिया था जो गुच्छे वाली होती है वो, और ये 25 rupees का प्लांट उन्होंने हमको दिया था। इसके अलावा एक शमी का प्लांट मैंने लिया था, और हाँ मैं आपको बता दूं जो प्लांट मैं आपको देखिए आप इसको कटिंग से खुद भी लगा सकते हैं, ये शमी जिसको हम शमी के नाम से जानते हैं एक्चुअली ये शमी का प्लांट नहीं होता है, उसका नाम जब याद आएगा तो शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।